Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Kirti Agarwal and I upload videos on fashion, beauty and lifestyle twice a week. So stay updated for that. And updated रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब जब मेरा नया वीडियो आए यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. एंड टुडेज वीडियो इज अ पार्ट टू ऑफ वॉट आई थ्रिफ्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप. और उस शॉप का शॉप नंबर और इस बार तो मैं एड्रेस भी अच्छे से समझा दूंगी बिकॉज इतने सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे लास्ट वाले वीडियो से बिकॉज दैट शॉप इज लाइक क्वाइट इन अ डिफरेंट एरिया और उसे अंदर जाना पड़ता है. नहीं तो इजीली दिखती नहीं है वो शॉप, बट एक बार दिखने के बाद वो अंदर से ह्यूज है. सो इसलिए मैं वीडियो के एंड में आपको एड्रेस भी समझा दूंगी, शॉप नंबर भी बता दूंगी, एवरीथिंग लाइक दैट. एंड दिस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ अर्बेनिक के ड्यूब्स नहीं मिले, दिस टाइम आई गॉट ज़ारा ड्यूब्स, आई गॉट H&M ड्यूब्स, आई गॉट काजो ड्यूब्स एंड आई गॉट अ ड्यूब ऑफ प्रिटी लिटिल थिंग एज वेल. एंड नॉट जस्ट ड्यूब ड्यूब, आई थिंक ये वही से है, लाइक उन्हीं ब्रांड से है. इवन द टैग्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर एंड यू वोंट इवन बिलीव द प्राइसेस, लाइक व्हाट यू सॉ इन द थंबनेल एंड the title was real. So without any further ado, let's get started with the video. Okay, I'm going to start with my favorite item. This item on Zara was for 4,990 freaking rupees, like 5,000 bucks. And on label by Ritu Kumar, this is for 6,800 rupees. And all kuch brands pe aur bhi zyada prices ki hogi. But you won't believe that I got this dress for 380 rupees. Like that is insane. I know that is insane. So you must have seen ki aajkal wo pattern bahut chal raha hai jisme peeche aisa cross detailing hota hai, aage se pura covered hota hai and peeche se beech mein ek area aapka एक्सपोज्ड होता है. सो ये बिल्कुल वैसा ड्रेस है एंड दिस इज अ शिफली ड्रेस. आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस ड्रेस, तो मैं अब दिखाई देती हूँ फाइनली. सो दिस इज द ड्रेस. आपको इसमें क्लियरली नहीं समझ आएगा कि लाइक दिस इज द शिफली ड्रेस. आप इसका मटेरियल देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है. इट्स लाइक डबल लेयर्ड, इसमें हर जगह डबल लेयर है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड इट इज समथिंग लाइक दिस फ्रॉम द फ्रंट. एंड नीचे इसका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छा खासा है. लाइक लुक एट द लेंथ ऑफ दिस स्कर्ट वाला पार्ट. तो इसके अंदर दो पार्ट्स है, लाइक एक तो ये है स्कर्ट वाला पार्ट, एक ये है टॉप वाला पार्ट. ये दोनों चीजें आगे से अटैच्ड है बट ये दोनों चीजें पीछे से खुली है. तो पीछे से ऐसा वो कट बनता है ना वो इतना सुंदर लगता है. एंड ट्रस्ट मी, ब्रांड्स लाइक ज़ारा, ब्रांड्स लाइक रितु कुमार एंड पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स ये पैटर्न इतना ज्यादा ला रहे हैं एंड दैट टू फॉर प्राइजेज अराउंड 4,000, 5,000, 6,000 एंड मैंने 380 रुपीज के लिए, विच वॉज अ स्टील डील बिकॉज इसमें हर जगह डबल लाइनिंग है. इवन द शिफली मटेरियल ऑफ दिस इज सो गुड, लाइक यू कैन सी द क्वालिटी, कितना अच्छा शिफली मटेरियल है इस पूरी की पूरी ड्रेस का. I am obsessed with this dress. ये इतना सुंदर लगता है पहनने पे, इतनी ड्रीमी फेरी गर्ल एस्थेटिक वाली वाइब्स देता है, लाइक अ प्रॉपर सॉफ्ट गर्ल एस्थेटिक वाइब्स. एंड दिस इज सो 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 प्रिटी, लाइक मैं पहन के जब आपको यहाँ पे ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी ना यू विल बी लाइक कीर्ति यू हैव फाउंड अ जेम फॉर अ प्राइस 380 रुपीज, यू आर गोना लव मी फॉर दिस. ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे को एक ड्रेस मिला है जो कि प्रिटी लिटिल थिंग या फिर नेस्टी गर्ल से है. लाइक दोनों ही ब्रांड्स पे ये ड्रेस अवेलेबल है एंड दैट टू फॉर इंडियन रुपीज 8,000. लाइक कैन यू बिलीव 8,000 रुपए का ड्रेस. एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने इसको कितने का लिया है. इस पर 280 रुपीज लिया है लिखा है बट मैंने उनको 250 दिया था जहां तक मुझे याद है, या फिर 240. सो इट्स रिटन की 280 रुपीज का ड्रेस है एंड मैंने उनको 250 या 240 के अराउंड रुपीज दिए थे. एंड दिस इज द ड्रेस, लाइक दिस इज अ स्ट्रैपलेस ब्लैक ड्रेस एंड द मटेरियल ऑफ दिस इज द बेस्ट क्वालिटी सेटिन यू कैन एवर फाइंड. इसमें कुछ टैग लगा हुआ है ब्रांड का, रिव्यू ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज प्रोबेबली अ ड्रेस जो कि उन लोगों ने किसी बाहर से मंगाया हुआ है, फिर एक्सपोर्ट सरप्लस कुछ होता है, फिर अगर मे बी इट्स यूज और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो दैट. बट दिस ड्रेस इज सो अमेजिंग, इट्स इन परफेक्ट कंडीशन. लाइक जहाँ जब भी मैं वहाँ से कुछ लेती हूँ ना, आई ऑलवेज चेक कि इसके अंदर कोई होल्स तो नहीं है, फिर ऐसा कुछ नहीं है. एंड दिस ड्रेस वॉज इन दी परफेक्ट कंडीशन, लाइक लुक एट द पैटर्न इन फ्रंट, इतना सुंदर पैटर्न है इसके आगे से. द लेंथ इज लाइक रियली ग्रेट एंड इसके अंदर डबल लाइनिंग है, एवरीथिंग इज सो फैन. See, like this is a proper Saturday night party outfit, or else you can go like anywhere wearing this outfit. Matlab, this outfit looks like this is of 5,000-7,000 on an average for 250 bucks. Steal. ओके, सो इफ यू रिमेंबर तो मैंने मेरे एक रीसेंट फ्लिपकार्ट हॉल के अंदर ऐसा एक ड्रेस पहना था एंड सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट दिस ड्रेस. सो दिस ड्रेस इज बेसिकली फ्रॉम H&M, मतलब इसका जो टैग है उसमें H&M ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड लिखा हुआ है, इट्स फ्रॉम द डिवाइडेड सेक्शन ऑफ H&M. बट ये मैंने उस वाली शॉप से लिया था, लाइक मैं उस वाली शॉप बोल रही हूँ बट उस शॉप का नाम है नकोडा एक्सपोर्ट सेल एंड सब कुछ मैं आगे डिटेल्स आपको बता दूंगी वीडियो के अंदर. तो इस पे ना H&M का टैग लगा हुआ आया था और इस पे ना H&M डिवाइडेड लिखा हुआ होता है और ये जो
ऐसी जो साइजेस लिखी हुई होती है ना वो हमेशा सिर्फ H&M में ही होती है. एंड देन मैंने H&M की वेबसाइट पर सर्च करा, मुझे नहीं मिली बिकॉज ये लास्ट ईयर वाले कलेक्शन के अंदर थी. तो मैंने जनरली गूगल पर जाके सर्च करा फॉर अ ड्रेस लाइक दिस एंड आई फाइनली फाउंड दिस ड्रेस ऑन H&M. एंड ये हुआ करती थी लास्ट ईयर 2200 समथिंग के रुपीज़ की, 2400-2200 के आसपास की. एंड देन फाइनली वो सेल के अंदर 1900-1800 रुपीज़ की थी, बट आई गॉट दिस ड्रेस फॉर 280 रुपीज़, लाइक विद इन 300 रुपीज़. इट्स अ स्टील डील. लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस ड्रेस इन माई फ्लिपकार्ट हॉल एंड अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी अबाउट दिस ड्रेस. तो मैं सबको बोली थी कि H&M से तो जस्ट सी कि लोग बिलीव करते हैं कि नहीं करते कि चीज़ें सच्ची में हमको इस प्राइस में मिल सकती है. बट देन दिस ड्रेस इज फ्रॉम H&M, बट आई थ्रिफ्टेड इट. येस, आई थ्रिफ्टेड इट फॉर जस्ट रुपीज 280. और ये जो ड्रेस है ना ये उनके पास अभी भी अवेलेबल है इन सो मेनी साइजेस, लाइक सो मेनी साइजेस. सो दिस इज द ड्रेस. एज यू कैन सी दिस हैज गॉट अ प्रीटीएस्ट प्रिंट ऑल ओवर द ड्रेस. मतलब इसमें पूरे में पिंक एंड येलो कलर के फ्लावर्स बने हुए ऑल ओवर इट. एंड इसके अंदर इतना रफली एंड इतना फ्रिली वाला डिटेलिंग है ना ऑल ओवर इट, ये इतनी प्रॉपर सा समर अप्रोप्रिएट ड्रेस लगती है. इवन दो इट्स ब्लैक इन कलर पर इसके जो प्रिंट्स और रफल्स है ना ये इतने अच्छे लगते हैं कि आप इसे गर्मियों के अंदर भी आराम से पहन सकते हो. इवन ड्यूरिंग द डे टाइम जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतनी ज्यादा धूप होती है, एंड धूप एंड सनटाइन ऑल कम्स टुगेदर बाबा, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है अभी बाहर. एंड यू नो गर्मियों में हम सब इतना ज्यादा टैन हो जाते हैं और हमारी जो स्किन है ना वो इतनी ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है. टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ना आई यूज दिस पर्टिकुलर ऑयल एंड ट्रस्ट मी दिस विल गिव यू रिजल्ट लाइक हेल. मतलब इतने अच्छे रिजल्ट मैंने और किसी ऑयल से नहीं देखे फॉर माई सनटाइन एंड पिगमेंटेशन. सो ये जो ऑयल है ना इसको मैं क्या करती हूँ, जस्ट टेक इट ऑन माई पाम एंड देन मैं इसको मेरी बॉडी पे ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर रब करती हूँ ऑल ओवर माई बॉडी इंक्लूडिंग माई हैंड्स इन माई लेग्स इन माई नेक इन माई फेस. सो दिस इज द ऑयल फ्रॉम कामा आयुर्वेदा एंड दिस इज कॉल्ड द नालपर मरादी थाइलम स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट. सो दिस ऑयल हैज गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड ससमे ऑयल. एंड हम सबको पता है कि टर्मरिक ना सालों से ना हमेशा से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत जाना जाता है. एंड टर्मरिक हमने देखा कि हमारे बहुत सारे फेस पैक्स में हम लोग मिक्स कर करके ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज करते हैं एंड बेसिकली सन टैन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस ऑयल विल गिव यू रिजल्ट्स लाइक एनीथिंग मैन. मतलब एक या दो बार में आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो मैं इसे ट्वाइस या थ्राइस अ वीक यूज करती हूँ. अगर आपको बहुत ज्यादा सन टैन है तो आप इसको स्टार्टिंग में रोज यूज करो लाइक एवरी डे इन अ वीक एंड देन ग्रेजुअली आप इसका यूजेज कम कर सकते हो. इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद यू हैव टू कीप इट फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ये अच्छे से काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर. एंड जस्ट बिकॉज दिस कंटेन्स टर्मरिक एंड टर्मरिक येलो होता है एज यू नो, तो आप जब भी जो भी कपड़े पहन रहे हो ना वाइल अप्लाइंग दिस वाइल कीपिंग दिस, तो आप प्लीज ट्राई करना कि आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहन रहे हो ताकि आपका जो क्लोथ्स है ना वो बिल्कुल स्टेन ना हो जाए, जस्ट बिकॉज ये येलो कर देगा आपकी सारी चीजों को. एंड आफ्टर 30 मिनट्स रिंस इट ऑफ प्रॉपरली एंड यू विल सी द मैजिक इन योर स्किन. आई लव 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 दिस. मैंने इसका छोटा वाला बॉटल लिया था आई गेस एंड दिस इज फॉर 1195 रुपीज, बट दिस इज सो वर्थ इट बिकॉज इसका थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत ज्यादा काम कर देता है. आई डेफिनेटली लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, सो प्लीज चेक इट आउट एंड आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है एंड यू आर गोना थैंक मी फॉर दिस, ट्रस्ट मी. ओके, सो फोर्थ थिंग अगेन फ्रॉम ज़ारा. तो ज़ारा पे आपने देखा होगा ना इस बार ब्लेजर्स है ना, समर ब्लेजर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विंटर ब्लेजर्स, समर ब्लेजर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं एंड दिस इज द वन विच आई एम वेयरिंग टुडे. ये एग्जैक्टली ज़ारा वाला ज़ारा ड्यूप नहीं है, लाइक इस पर ज़ारा का जो टैग होता है ना वो नहीं दिया हुआ है. बट देन अगेन ये जो ब्लेजर है ना आपको डिट्टो, मतलब इतना सभी पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, आपको डिट्टो का डिट्टो सारा पे मिल जाएगा फॉर 2990 रुपीज़. तो 3000 रुपीज़ का ब्लेजर वहाँ पे था एंड आई गॉट इट फॉर 340 रुपीज़. लाइक वॉट अ स्टील डील. 340 रुपीज़ में आई फाउंड दिस ब्लेजर देयर. एंड इसका जो स्लीव्स है ना ये ऐसा ही है, इट्स लाइक कर्ल्ड अप ओनली, रोल्ड अप ओनली एंड इसमें यहाँ पे इलास्टिक डिटेलिंग दे रखा है. एंड ज़ारा पे डिट्टो ब्लेजर था एंड दैट वॉज फॉर 3000 रुपीज़ एंड कुछ कुछ तो 5000 रुपीज़ के भी थे. एंड आई वॉज सो अमेज व्हेन आई फाउंड दिस ऑन दैट पर्टिकुलर शॉप. तो मैंने इसमें दो कलर्स ले लिया, आई बॉट दिस वन एंड आई बॉट अ ग्रीन वन एज वेल. तो ग्रीन वाला मैं अभी यहाँ पे लाई नहीं हूँ वेर आई एम शूटिंग एंड आई इवन पोस्टेड अ रील वेयरिंग दैट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सो मेनी ऑफ यू आस्क मी अबाउट दैट ब्लेजर. एंड वो वाला ब्लेजर जो है ना वो सेम काजो पे अवेलेबल था लास्ट ईयर आई गेस 4,000-5,000 रुपीज का एंड आई गॉट इट फॉर 440 रुपीज एंड दिस वन फॉर 380 या 350 रुपीज के आसपास का. ये दोनों ब्लेजर्स इतने ज्यादा अफोर्डेबल थे एंड दीज आर ऑफ सच गुड क्वालिटी. मूविंग ऑन टू अनदर ड्रेस जो आपको अगेन काजो के पार्टीवेयर वाले सेक्शन में मिल जाएगी अलॉन्ग विद द ब्लेजर. तो मैंने इस बार इसका ब्लेजर नहीं लिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी दो ब्लेजर्स हो चुके थे. सो आई बॉट दिस ड्रेस फॉर जस्ट रुपीज 480. आई नो थ्रिफ्टिंग के लिए 480 रुपीज कुछ ज्यादा है, बट देन इस ड्रेस के ऊपर टैग्स वगैरह सब कुछ लगे हुए थे. आई वोर इट वंस इसलिए मैंने टैग वगैरह उतार दिया है. इस ड्रेस के ऊपर टैग्स वगैरह सब लगे हुए थे एंड इफ यू फील द क्वालिटी ऑफ दिस ना, लाइक इसके अंदर यहाँ पे
लाइनिंग है एक्स्ट्रा पूरी में, एंड देन जस्ट लुक एट द मटेरियल, कितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इसका. एंड दिस वॉज नॉट यूज, मतलब ये यूज क्लोथ वाला जो थ्रिफ्टिंग सेक्शन होता है ये मैंने उसमें से नहीं लिया. यहाँ पे ना अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रांड न्यू वाला सेक्शन भी रखा है जिसमें ये ब्रांड न्यू क्लोथ होता है विद ऑल द साइजेस, तो मुझे इसमें ना एक्स्ट्रा स्मॉल अच्छे से फिट आ रहा था बिकॉज काजो की साइजेस एज वी ऑल नो बड़ी होती है, तो मुझे इसमें नहीं एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं मुझे स्मॉल फिट आ रहा था, मैं ज़्यादा ही खुश हो गई थी. कोई बात नहीं, मुझे इसमें स्मॉल फिट आया था तो मैंने इसके अंदर स्मॉल लिया. इसमें आपको मीडियम भी मिल जाएगा, लार्ज भी मिल जाएगा एंड एक्स्ट्रा स्मॉल भी मिल जाएगा. सो आई बॉट द स्मॉल वन एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बैक ऑफ दिस ड्रेस, दिस इज द फ्रंट ऑफ दिस ड्रेस एंड दिस ड्रेस इज परफेक्ट फॉर ऑल द पार्टीज, ऑल द सैटरडे नाइट क्लबिंग एंड एवरीथिंग. लाइक दिस ड्रेस इज सो सो प्रिटी, लाइक कोई कह भी नहीं सकता इसको देख के कि दिस इज फॉर 400 समथिंग रुपीज एंड दिस इज अ परफेक्ट ड्रेस. लाइक लुक एट दैट, मतलब मैं हमेशा जब भी पार्टीज में जाती थी ना आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे 3,000 या 5,000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे फॉर अ ड्रेस फ्रॉम ज़ारा, काजो और एवरीथिंग लाइक दैट. एंड मैं करती भी थी, लाइक हम सभी करते हैं अगर हमको ऐसा कुछ चाहिए होता है तो, बट देन अगर हमको ये ऑप्शन मिल रहा है फॉर दिस प्राइस देन वाई नॉट. ओके अगेन समथिंग शिफली, बिकॉज शिफली इज सो मच इन ट्रेंड. द फर्स्ट शिफली ड्रेस वॉज फ्रॉम ज़ारा एंड दिस प्ले सूट इज फ्रॉम H&M एंड इस पे ना डिवाइडेड क्लियरली लिखा हुआ है, लाइक इसमें तो आपको और भी अच्छे से डिवाइडेड दिख जाएगा. एंड जो H&M की जो प्राइस वाला सेशन होता है ना, प्राइस वाला टैग होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है, वो क्लियरली इसके अंदर दिख पा रहा होगा आपको. सो दिस जंप सूट इज फ्रॉम H&M. द ओनली थिंग इज कि इसका मुझे साइज ढीला है बिकॉज इट्स इन यूरो 38 UK 10 एंड आई एम UK 8 साइज, मतलब Euro 36, तो ये मुझे थोड़ा सा ढीला, बट आई स्टिल गॉट इट बिकॉज इसके अंदर एक ही पीस बचा था एंड सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके थे. आई स्टिल गॉट इट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको फिटिंग वगैरह करवा के पहन लूंगी एंड ये मैं इसको फिटिंग करवा के भी पहन लूंगी, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो बेसिकली दिस इज द जंप सूट, लाइक लुक एट दैट. दिस इज अ प्ले सूट बेसिकली बिकॉज इसके अंदर शॉर्ट्स है एंड इसके अंदर आगे यहाँ पे डिटेलिंग है एंड द शिफली मटेरियल ऑफ दिस ना, लाइक लुक एट दैट, कितना प्यारा शिफली मटेरियल है इसका. लाइक द फ्लावर्स ऑफ द शिफली पैटर्न इज सो आर सो प्रिटी एंड इसकी शॉर्ट्स भी बहुत क्यूट है एंड इसके अंदर भी ना एक्स्ट्रा लाइनिंग दे रखी है ऑफ दिस प्लेन व्हाइट क्लॉथ ताकि ये सी थ्रू ना हो, कि ये दोनों जो शिफली जो होता है ना वो अपने आप में थोड़ा सा सी थ्रू होता है बट इसके अंदर डबल लाइनिंग है हर जगह तो ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं होगा एंड ये इतना ज़्यादा क्यूट लगता है. लाइक इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स हैं जो अभी ट्रेंड के अंदर, लाइक द शिफली मटेरियल एंड देन द फ्रिली स्लीव्स एंड देन द पफ स्लीव्स एंड देन द प्ले सूट विच इज इन ट्रेंड. दिस इज अमेजिंग, लाइक दिस इज सो 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 अमेजिंग. प्ले सूट से ज्यादा है, मैंने एक रिसेंटली जंप सूट भी खरीदा था वहाँ से, दैट वॉज फ्रॉम ओनली विद टैग्स एंड वो मुझे सिर्फ 400 रुपये का मिला था, बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट हियर. पता नहीं क्यों मैं 2-3 चीज़ें लाना भूल गई यहाँ पे, मैं उसका अगर मुझे पिक्चर मिला कहीं से भी तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनली शॉप नंबर एंड शॉप नेम एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली आई लिव इन जयपुर एंड दिस शॉप इज इन जयपुर. मुझे नहीं पता इनकी और अगर कोई ब्रांचेस होगी तो हो सकती है, आई डोंट नो अबाउट दैट. सो मैंने विद्याधर नगर वाली ब्रांच से लिया था इनका एंड विद्याधर नगर में इफ यू नो नेशनल हैंडलूम, तो नेशनल हैंडलूम के सामने की तरफ देयर इज दिस रोड एंड उसके पीछे की तरफ ये शॉप है एग्जैक्टली. सो इफ यू नो विद्याधर नगर रिलायंस फ्रेश, तो रिलायंस फ्रेश के जस्ट राइट साइड में अगर आपको देखोगे तो ये शॉप दिख जाएगा एंड इस पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है नाकोड़ा एक्सपोर्ट सेल एंड मैं आपको इनका टैग दिखा देती हूँ, यू विल गेट टू नो प्रॉपरली. सो बेसिकली दिस इज देयर टैग एंड इट हैज रिटन नकोड़ा एक्सपोर्ट सेल हेयर एंड इनका जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दूंगी, तो आप इनको फोन करके पूछ सकते हो अगर आपको इनकेस रास्ता समझ नहीं आता है तो. एंड आपको दाने पे ना इतना नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर से इतना कुछ कलेक्शन नहीं दिखता है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं लगता कि शॉप पे आपको ऐसे जेम्स भी मिल सकते हैं क्या. एज सुन एज यू विल एंटर ना, और ये सब कुछ गोडाउन या बेसमेंट सॉर्ट ऑफ प्लेस पे बना हुआ है, एज सुन एज यू विल एंटर ना इतना ह्यूज है ये अंदर जाके एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द जेम्स there and they have a lot of tops and pants and everything and yes they are not paying me to say this, maine फ्री में प्रमोशन कराया, अगर वो करते तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती. बट स्टिल ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई रियली रियली होप कि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको हेल्पफुल लगा. एंड इफ यू लिव इन जयपुर ना, ट्रस्ट मी यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस वंस एट लीस्ट. एंड आई रियली रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हो इस जगह के बारे में, बिकॉज आई तो लव 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 दिस प्लेस फ्रॉम लास्ट नवंबर डिसंबर ओनली. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड येस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया then please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos and thank you so much for watching. Bye bye.